अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक पेशेंट का सही स्पेक्टिकल प्रिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी वो स्पेक्टिकल में डिस्कम्फर्ट और डिससेटिस्फेक्शन फील करता है, तो इसके क्या रीजंस हैं, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेंसेज का सही प्रिस्क्रिप्शन होने के बावजूद भी पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट और डिससेटिस्फेक्शन फील करते हैं। इसका रीजन है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फ्रेम्स एंड रॉन्ग वे ऑफ वेयरिंग ग्लासेस। सो सिलेक्शन ऑफ फ्रेम्स एंड प्रॉपर वेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर फ्रेम डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: फ्रेम मटीरियल, फ्रेम शेप, फ्रेम साइज, फ्रेम स्टाइल, वर्टेक्स डिस्टेंस एंड IPD, interpupillary distance। तो सबसे पहले हम फ्रेम के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि एक जो फ्रेम होता है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो ये फ्रेम होता है, दिस कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल। हम देखते हैं ये जो फ्रेम होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रेम एंड दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द फ्रेम। अब जो आप ये गिलास देख रहे हो आगे, दीज आर called the lenses, lens on the right side and lens on the left side. These lenses, they are made up of glass, fiber or plastic. अब जो ये lens जिसमें ये fit होता है, this rectangular part जो आप देख रहे हो जिसमें ये lens fit होता है, this is called the rim of a frame. This is the right rim and this is the left side rim of a frame. तो आजकल जो कुछ मॉडर्न फ्रेम्स होते हैं उनमें जो ये रिम जो आप देख रहे हो इस ग्लास में, ये अवेलेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे जो डायरेक्टली जो एक लेंस होता है वो टेम्पल के साथ डायरेक्टली फिक्स होता है। तो उन फ्रेम्स को हम बोलते हैं रिमलेस फ्रेम्स। ये जो रिम शेप होती है, दिस वेरीज फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, कैन बी रेक्टेंगुलर, कैन बी स्क्वायर, कैन बी राउंड और ओवल। और जो डिस्टेंस होती है बिटवीन टू इनर साइड्स ऑफ द रिम्स, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ब्रिज। जो ये बटन लाइक शेप्स आप देख रहे हो ऑन द बैक साइड ऑफ अ फ्रेम, दीज टू बटन लाइक शेप्स, दीज आर कॉल्ड द नोज पैड्स। आर्म ऑफ द स्पेक्टिकल इज कॉल्ड द टेम्पल एंड हियर यू सी देयर इज अ बेंड एट द बैक साइड ऑफ दिस आर्म और टेम्पल, this is called the side bend. Here this is called the side bend and this bend should be at least at an angle of 45 degrees. This is the right temple of a frame and this is the left temple of a frame, and the distance between the two temples, distance between the right temple and the left temple, this is called the temple width. This was a short description about the frame, this bridge width and this temple width. This plays an important role to make a frame प्रॉपर फिट फॉर अ पेशेंट। इसमें अगर नोज ब्रिज नैरो या वाइड होगा तो ग्लास प्रॉपर फिट नहीं होगा एक पेशेंट के लिए। इसी तरह अगर ये टेम्पल विड्थ ज़्यादा या कम होगी तो उसमें भी जो वो ग्लास होगा या स्पेक्टिकल होगा प्रॉपर फिट नहीं होगा एक पेशेंट के लिए। सो दीज पॉइंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अ स्पेक्टिकल बी अ प्रॉपर फिट फॉर अ पेशेंट। फ्रेम की जो शेप है दैट शुड बी अपोजिट टू द शेप ऑफ द फेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका चेहरा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या ट्राइंगुलर शेप्ड है तो आपके लिए ओवल और राउंडेड शेप्ड ग्लासेस बेस्ट हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपका फेस ओवल शेप्ड है तो देन यू आर लकी एंड यू कैन चूज एनी पेयर ऑफ ग्लासेस। इसी तरह अगर आपका फेस राउंडेड है तो ग्लासेस जो बॉक्सी अपीयरेंस होते हैं जैसे कि स्क्वायर पेयर ऑफ ग्लासेस और रेक्टेंगुलर पेयर ऑफ ग्लासेस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। ग्लासेस नाइदर शुड बी टू स्मॉल नॉर टू बिग। इन केस ऑफ चिल्ड्रन द लेंस शुड बी ऑफ द साइज सो दैट चाइल्ड शुड नॉट पीप थ्रू ग्लासेस। ग्लास रिम नोज क्रस्ट को जेंटली टच करना चाहिए। अगर आप इस पिक को देखेंगे इसमें जो ग्लास रिम है और नोज क्रस्ट है उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है और इसकी वजह से जो ग्लास है वो नीचे ड्रिफ्ट हुआ है और प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है। और अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे इसमें जो ग्लास रिम है वो टाइटली प्रेस कर रहा है नोज क्रस्ट को
उसकी वजह से जो गिलास है वो ऊपर ड्रिफ्ट हुआ है और इसमें भी जो गिलास है वो प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है। इसी तरह जो ब्रिज है वो न ज्यादा बड़ा होना चाहिए न ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर ब्रिज ज्यादा बड़ा होगा या ज्यादा छोटा होगा उसमें भी जो स्पेक्टिकल है वो प्रॉपरली फिट नहीं होगा। साइड बेंड शुड बी गिवन प्रॉपरली, एंगल ऑफ बेंड शुड बी आइडियली 45 डिग्रीज। और अगर आप पिक्चर वन में देखोगे जो साइड बेंड है वो अर्ली दिया गया है और जो पिक्चर सेकंड उसमें जो साइड बेंड है वो कान के पीछे दिया गया है, बहुत लेट दिया गया है। और जो पिक्चर थर्ड है उसमें क्लियरली डिपिक्ट होता है कि साइड बेंड प्रॉपरली कैसे दिया जाता है। और कुछ पेशेंट्स डेलिबरेटली जो स्पेक्टिकल है वो नीचे ड्रिफ्ट करके रखते हैं और उनमें क्या होता है जो गेज होता है वो लेंस के सेंटर पार्ट या ऑप्टिकल सेंटर से नहीं होता है बल्कि लेंस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उससे होता है। और उसमें भी जो वो पेशेंट्स होते हैं वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, उनका जो एडिड विजुअल एक्यूटी वो प्रॉपर नहीं होती है। इसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो एल्बिनिक पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्सट्रीम फोटोफोबिया होता है वो हमेशा फोटोक्रोमेटिक गॉगल्स या एंटी ग्लेयर ग्लासेस इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है वो प्रेफरेबली ब्लू कट या एंटी ग्लेयर गॉगल्स यूज़ करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।